ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। पूर्णिया के मरंगा थाना के पॉलिटेक्निक चौक के पास नकाबपोश पांच अपराधियों ने इकॉट कंपनी के कुरियर कार्यालय से करीब 30 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने पिस्टल के बट से कैशियर पंकज कुमार को पीटकर घायल भी कर दिया। कैशियर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही मरंगा थाना पुलिस और सदर SDPO आनंद पांडे मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। हैरत की बात यह रही कि दो दिन से कुरियर कंपनी के CCTV का DVR खराब था। इस दौरान कई प्रश्न उठे कि आखिर DVR को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इसके अलावा जब लॉकडाउन के चलते 5 बजे तक सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को खुला रखने का नियम है, तो फिर रात के 10 बजे तक कंपनी के कार्यालय कैसे खुला था। इस बाबत पर पूछे जाने पर कुरियर कंपनी के मैनेजर अभिषेक कुमार ने कहा कि रात में 10 बजे करीब कुछ स्टाफ काम कर रहे थे, तभी नकाबपोश पांच अपराधी हथियार के बल पर आया और कैशियर के साथ मारपीट करते हुए हथियार के बल पर कैश काउंटर में रखे करीब 30 लाख रुपए लूटकर चले गए। हालांकि अभी इसकी गिनती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों का सारा रुपया कैश काउंटर में रखे हुए थे। थाना प्रभारी राजीव आजाद ने बताया कि लूट की घटना हुई है, अज्ञात अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और छापेमारी की जा रही है। ये इकॉट कुरियर है, सरकार के कंपनी। क्या घटना घटी है? ये कल रात को 10:15 बजे मुझे कॉल आया कि यहाँ पे लूट हो गई है और हमारे 5-6 यहाँ पे मेंबर भी थे, तो जिनके वजह से यहाँ पे लोग इंजर्ड भी हुए, उनको मारा भी गया है और जो हमारे कैशियर हैं उनको बुरी तरीके से मारा गया, जिनके वजह से उनका सर फट गया और ब्लडिंग भी थोड़ी हुआ। फिर हमने सदर हॉस्पिटल उनको लेके गया और वहाँ से उनका फर्स्ट एड करवाया हमने, तो फिर उसके बाद हमने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई थी रात में, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया अपना और सारा कुछ बताया उन्होंने अपने। कितने की संख्या में थे अपराधी? अपराधी 5 की संख्या में बता रहे थे। हथियार से लैस? ठीक है, हथियार से लैस। गाड़ी से थे? हाँ, मोटरसाइकिल से आए थे। तो नकाब पहने हुए थे? कुछ सारे मुंह ढका हुआ था उनका, मास्क और हेलमेट पहने हुए थे। कितने की लूट हुई है? ये लगभग 10:15 बजे की लूट। कितनी लूट? कितने की लूट? अभी हम लोग इसका कुछ एक्चुअल अमाउंट नहीं निकाल पाए क्योंकि अभी लगभग 30 लाख रुपए की माना जाए।